हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अवर चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो द रिमेनिंग इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अवर दिस चैप्टर सम टॉपिक्स वर रिमेनिंग. फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो द दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. वॉट डिड आई से? सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब कि कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर हमेशा क्या बनेगा, इसमें हमारा सिंगल सब्सटेंस बनेगा. क्या बनेगा? सिंगल सब्सटेंस. ये खासियत है कॉम्बिनेशन की. प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? सिंगल, है ना. रिएक्टेंट हमारे टू और मोर देन टू हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑलवेज कितना रहेगा? सिंगल. देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. 2 में H2O बन रहा है सिंगल, फिर CO2, HCl, NaCl, फेरस सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइट, है ना. तो ये सारे जो प्रोडक्ट हमारे हैं सिंगल प्रोडक्ट, टू और मोर देन टू हमारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनता है? हमारा सिंगल प्रोडक्ट. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल 1, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है, हमने पढ़ा ही था. टोंग से पकड़ के अपने मैग्नीशियम की स्ट्रिप को गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है. हियर टू एलिमेंट्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, समझ आया. फिर इसके बाद में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी है. तो हियर ऑल्सो टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर कंबाइनिंग टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड वाटर. क्या बन रहा है? सिंगल बन रहा है वाटर, ठीक है ना. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. तो इसी तरह के एग्जाम्पल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, H2 और Cl2 कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो गैसियस फॉर्म में बनता है. सोडियम एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. आयरन और सल्फर कंबाइन होके फेरस सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. अमोनिया और HCl मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. इसमें SO2 और O2 मिलके SO3 बनाते हैं, ठीक है. ये हमारे सिंगल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर. सो दिस इज ऑल दोज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ सेकंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो यहाँ पे नोट दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें दो हमारे कोई भी रिएक्टेंट है वो कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट में से डिकम्पोजिशन होके उसका डिकम्पोजिशन होके मोर देन टू और मोर देन टू हमारे प्रोडक्ट का, मतलब ये एरो हम इधर कर दे तो डिकम्पोजिशन, इधर कर दे तो कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो ये जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. किसके जस्ट अपोजिट होती है? हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है. अब इसका डेफिनेशन की बात करें अपने, तो दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज, है ना. कोई भी कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है किसमें? टू और मोर सब सिंपलर सब्सटेंसेज में. देन दोज रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना. तो इसमें कंपाउंड्स का स्प्लिट अप होना होता है, ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपने हीट करते हैं तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट मोर है ना, इसमें टू प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हो गया. उसमें हमारे कंबाइन होते थे और सिंगल प्रोडक्ट बनता था, और इसमें से सिंगल में से हमारे मोर देन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हमारे बनते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो स्प्लिट अप हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट अप हो गया. किसमें स्प्लिट अप हुआ? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. हियर वन सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग अप, ये टूट रहा है, ठीक है ना, इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. सो इसके और भी दूसरे एग्जाम्पल है. तो देखो ये सब में एक ही चीज में से, यहाँ पोटेशियम क्लोरेट में से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहे हैं ना, एक ही चीज में से दो सब्सटेंस बन रहे हैं, टूट रहा है, ये ब्रेकअप हो रहा है. किसमें? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में. ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट किसमें ब्रेकअप हो रहा है? ये फेरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन और SO3 में, ठीक है.
यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल में लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट किस में डिकम्पोज हो रहा है, इसका स्प्लिट अप किस किस में एलिमेंट किस किस कंपाउंड्स में हो रहा है, तो ये हमारा लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। सो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारे, तो देखो यहाँ पे भी हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड। सो नोट ऑल अबाउ द एग्जाम्पल्स, ऑल अबाउ एग्जाम्पल्स आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन एज हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट। यहाँ सारे एग्जाम्पल्स में रिएक्टेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, हीट इज रिक्वायर्ड, दस ऑल दोज आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। किसके एग्जाम्पल हैं ये, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, तो इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, यहाँ हीट चाहिए थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो H2 और O2 गैस मिलती है हमको, सोडियम क्लोराइड, L मतलब लिक्विड स्टेट है ना, तो नमक का लिक्विड स्टेट क्या होता है, पानी में घोलते हैं, जब अपने नमक को मेल्ट करते हैं, गर्म करने से वो मेल्ट हो जाएगा, तो मोल्टन स्टेट, NaCl मस्ट बी इन मोल्टन स्टेट, देन इट इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन NaCl इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, देन सोडियम एंड क्लोराइड विल बी सेपरेटेड, ठीक है ना, तो उसमें Na और Cl अलग हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन, है ना। सिंगल हमारे रिएक्टेंट में से मल्टीपल प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl। फिर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका भी अपने इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। देखो Al कौन सी स्टेट में है, लिक्विड, ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, गैसियस, तो स्टेट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ब्रैकेट, ओके। सोडियम हमारा कौन सी स्टेट में है, सॉलिड, और क्लोरीन कौन सी स्टेट में है, गैसियस, ठीक है। सो ऑल दोज थ्री एग्जाम्पल्स आर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सो हियर इट इज ऑल्सो रिटन दैट एग्जाम्पल नंबर 5 to 7 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एज इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए ऑल दोज थ्री एग्जाम्पल्स आर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ दिया, इलेक्ट्रिकल पढ़ दिया, उसके बाद में लास्ट वन इज हियर लाइट इज रिक्वायर्ड, लाइट एनर्जी इज फोटो डिकम्पोजिशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। AgCl को हम लाइट की प्रेजेंस में सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में हमने चाइना डिश में क्या रखा है, AgCl रखा है ना, तो थोड़ी देर बाद उसमें से क्लोरीन गैस डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, इवॉल्व हो जाएगी, हमारे पास चाइना डिश में क्या बचेगा, सिल्वर ओनली है ना, 2Ag, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम। यहाँ पे भी देखो सिंगल हमारा रिएक्टेंट है, उसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट बने हैं, है ना, डिकम्पोज हुआ, ये स्प्लिट अप हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, ये किस में हो गया है, Ag और Cl में, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन एज लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो वी हैव स्टडीड अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाउ थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। सो लेकिन कौन किसकी जगह लेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह लेगा, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव की मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह नहीं ले सकता। तो सो नोट हियर दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, पता ही है ना, जो ज्यादा ताकत वाला होगा जो कम ताकत वाले को हटा ही देगा, ठीक है ना। सो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। सो ये देखो यार, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी ड्रॉ कर दी तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है, इसमें पोटेशियम, फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही, सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव कौन है इसमें, ऑरम मतलब गोल्ड, अर्जेंटाइनम मतलब सिल्वर, ऑरम मतलब गोल्ड, तो ये लेटिन नेम है, उसके अकॉर्डिंग इनके सिंबल दिए हुए हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव इज ऑरम मींस गोल्ड, ठीक है। सो इसमें हमेशा कोई भी अपने दो एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किसका डिस्प्लेसमेंट कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल में अपने कॉपर को लिया है, तो कॉपर को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने आयरन के साथ करवा रखा है, ठीक है ना, तो कॉपर हमारा ये रहा और आयरन हमारा ये रहा, ठीक है। तो कॉपर और आयरन की बात हम करें, तो आयरन इसमें क्या हुआ, हमारा मोर रिएक्टिव हुआ, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो तो CuSO4 प्लस
Fe gives FeSO4, तो CuSO4 का Cu हटा दिया और उसकी जगह कौन चला गया, Fe चला गया, ठीक है ना। तो CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस किसने किया, Fe ने किया, है ना, और FeSO4 का सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पहले से भी पढ़ते आए अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये धीरे धीरे हमारा लाइट ग्रीन होते होते कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा कॉपर सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किसने किया है, Fe ने किया है, तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दस Fe डिस्प्लेसेस कॉपर Cu फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कॉपर को उसके कंपाउंड में से Fe डिस्प्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरे एग्जाम्पल में कॉपर के साथ में जिंक आया, चलो देखते हैं डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक, तो देखो अपर साइड में कौन है, जिंक, तो अपर साइड में जिंक है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे भी जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा कौन, और जिंक उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। Cu को हटा दिया, देखो Cu हट गया, उसकी जगह कौन आ गया, जिंक आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे भी जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। फिर थर्ड एग्जांपल में कॉपर के साथ मैग्नीशियम, चलो कंपेयर करते हैं, ये रहा कॉपर और ये रहा मैग्नीशियम, यहाँ पे भी कॉपर से ऊपर है मैग्नीशियम, ठीक है। सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो वी कैन से दैट मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो देखो कॉपर का कंपाउंड कौन सा लिया है हमने, कॉपर सल्फेट एक्वा स्टेट में, है ना, पानी में डिजोल्व किया हुआ, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इसके यहाँ पे आ जाएगा, कॉपर इसमें से चला जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, मैग्नीशियम, तो CuSO4 का क्या हो जाएगा, ये MgSO4 बन जाएगा, ठीक है, और साथ में Cu इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन एग्जाम्पल Pb लेड, चलो Pb और Cu कंपेयर करते हैं फिर से, हमने ये रहा Cu और ये रहा Pb, यहाँ पे भी Pb ऊपर ही है, मतलब मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो Pb विल ऑल्सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो कॉपर का कंपाउंड हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, अभी तक CuSO4 ले रहे थे, अभी अपने CuCl2 लिया है, ठीक है ना। तो इसमें कॉपर क्लोराइड में से अपने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और Cu की जगह कौन आ जाएगा, Pb, तो CuCl2 की जगह क्या बन जाएगा, PbCl2, और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। फिफ्थ वन AgNO3 एंड Cu, चलो अब ये थोड़ा अलग रिएक्शन आया है हमारे पास, तो AgNCu, चलो ये रहा Cu और ये रहा Ag, देखो Ag कहाँ है, नीचे की तरफ है, और Cu कहाँ है, ऊपर की तरफ, मतलब Cu कॉपर और Ag में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से। तो Ag का कौन सा कंपाउंड लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट, सो वी हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड, सो हियर कॉपर विल डिस्प्लेस Ag फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो इसके कंपाउंड में से Ag को हटा देगा और कॉपर उसकी जगह Ag की ले लेगा, तो आ गया सिल्वर नाइट्रेट की जगह कॉपर नाइट्रेट बन गया और इसमें से Ag हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में Fe+2HCl, सो यहाँ पे अपने Fe और हाइड्रोजन, ठीक है, Fe और हाइड्रोजन की बात करें, ये रहा Fe और ये रहा हाइड्रोजन, तो Fe विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है ना। Fe ज्यादा रिएक्टिव हुआ ऊपर की तरफ है, मीन्स, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हम कह सकते हैं Fe विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन निकल जाएगा और Fe यहाँ पे आ जाएगा, तो FeCl क्या बन जाएगा, FeCl2, ये यहाँ आ गया, तो क्या बन गया, FeCl2, और हाइड्रोजन उसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट Mg+2HCl, तो मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की बात करें, तो ये रहा मैग्नीशियम, सॉरी ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस, ठीक है ना, जैसे Fe ने डिस्प्लेस किया था वैसे के वैसे मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है, Fe भी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और मैग्नीशियम, तो सेम एज ऊपर वाली रिएक्शन, जैसे यहाँ पे जहाँ पे FeCl2 बना था वैसे यहाँ पे MgCl2 बनेगा, Mg यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा, तो MgCl2+H2। सो हमने क्या सीखा कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। नाउ फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, नाउ फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो इसमें आयन्स का एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, आयन्स का एक्सचेंज होता है। सो यू कैन सी इन एग्जाम्पल नंबर वन Na2SO4+BaCl2, तो Ba यहाँ आ जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, तो Na यहाँ आ जाएगा मतलब क्या बन जाएगा, ये रहा, तो Na2SO4+BaCl2, तो इसमें क्या होएगा, Ba यहाँ आ जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो BaCl2 की जगह क्या बन जाएगा, NaCl, और Na2SO4 की जगह क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, हो गया ना, देखो आयन्स का एक्सचेंज हो गया,
बीए बीए इसमें यहाँ आ गया, मतलब क्या बन गया इसमें हमारा ये बीए यहाँ आ गया, मतलब बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो डेफिनेशन भी इसकी यही है, ध्यान से देख लेना, सुन लेना। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, कैसे रिएक्ट करते हैं आयंस का एक्सचेंज करके, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और क्या बनते हैं, दो ही कंपाउंड इसमें रिएक्ट करते हैं और नए दो ही कंपाउंड इसमें बनते हैं। ठीक है ना, सो दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नोट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन, है ना। देखो यहाँ पे एक्वस मतलब हमने Na2SO4 का पाउडर लिया है और उसको हमने पानी में डिजोल्व किया है, फिर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का भी अपने केमिकल जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको लिया है और पानी में डिजोल्व, एक्वस मतलब पानी में डिजोल्व किया है, सॉल्यूशंस में अपने रिएक्शन होगी। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में तो पता है अपने को रिएक्शंस होती ही नहीं है। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशंस लेंगे Na2SO4 का और BaCl2 का और आपस में उनको रिएक्ट करवाएंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स करेंगे, तो टू न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एंड आयंस एक्सचेंज ऑफ आयंस विल अकर्स इन दोज टेस्ट ट्यूब्स। ओके, सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट। ये देखो, ये टू प्रोडक्ट्स है, इसमें से कौन प्रेसिपिटेट होगा, बेरियम सल्फेट, इसके साथ में सॉलिड लिखा हुआ है और इसके सामने एक्वस लिखा है, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रेसिपिटेट्स। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट उसमें से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देखो, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनेगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, बेरियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन लिया है और प्रोडक्ट बनेगा तो NaCl का तो सॉल्यूशन होगा लेकिन BaSO4 उसमें डिजोल्व नहीं होगा, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा। हियर Ba+2 आयन रिएक्ट विथ सल्फेट आयन, Ba+2 आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ, और क्या बना लेगा, BaSO4, क्या बना लेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लेगा। BaSO4 इज फॉर्म्ड एज सॉलिड प्रोडक्ट, किसकी तरह बनता है, सॉलिड प्रोडक्ट। देखो मैंने इतना सारा इसमें अंडरलाइन कर रखा है, पूरा डार्क करके बताया हुआ है कि प्रेसिपिटेट आउट होगा ये, इट विल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है ना, तो BaSO4 इज फॉर्म्ड एज अ सॉलिड प्रोडक्ट, सो वी कैन से दैट BaSO4 प्रेसिपिटेट्स। ओके, क्लियर। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl दोनों एक्वस, मतलब सॉल्यूशन, और ये भी हमारा एक्वस मतलब सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो देखो हमारे रिएक्टेंट है वो सॉल्यूशन बने हुए हैं, उनके प्रोडक्ट में एक सॉल्यूशन होगा और एक प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो जब अपने सिल्वर नाइट्रेट और NaCl दोनों एक्वस लेके उनका रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl का सॉल्यूशन बनता है सोडियम नाइट्रेट का और सिल्वर क्लोराइड AgCl उसमें क्या होगा, AgCl इसमें से इसका PPT बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में BaCl2 प्लस CuSO4, तो इसमें हमारा Cu यहाँ आ जाएगा, Ba यहाँ आ जाएगा, तो ये CuSO4 की जगह क्या हो जाएगा, BaSO4, और BaCl2 की जगह क्या हो गया, Cu यहाँ जाएगा तो CuCl2 हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। यहाँ पे भी दोनों हमारे एक्वस स्टेट में, ये एक्वस में सिर्फ ये सॉलिड, तो BaSO4 प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में CuSO4 प्लस H2S, ये एक्वस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, तो इसमें जब ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ये एक्वस में, लेकिन ये प्रेसिपिटेट आउट होगा, क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट आउट होगा, कौन, कॉपर सल्फाइड। फिफ्थ एग्जांपल, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये देखो सॉलिड फॉर्म में PbI2 का प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, और KNO3 कौन सी स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में। एग्जाम्पल नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये दोनों भी सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिएक्टेंट भी एक्वस में है और प्रोडक्ट भी एक्वस में, क्यों, क्योंकि NaCl कैसा है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, पता है नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट हियर वन प्रोडक्ट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड आउट, वाई, बिकॉज NaCl इज इनसॉल्यूबल इन सॉल्यूबल इन वाटर, हियर नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बिकॉज NaCl इज सॉल्यूबल इन वाटर। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लास्ट वन टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें अपने ज़्यादा डिटेल में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करें। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते ही आए हो, तुमको पता होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन इज रिमूव, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, ऑक्सीजन एडेड होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे और ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा तो रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे और हाइड्रोजन ऐड होता हो तो रिडक्शन। तो पहले ये जो कंटेंट है ये ही क्लियर कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, तो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अपने एग्जांपल्स के साथ में पढ़ते हैं। फिर उससे पहले एक रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन देख लो। द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो अब देखो इसमें एक एग्जांपल हमारा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ देखो अपने एक डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड, सो हियर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब उसका कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन इज एडेड, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें से जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड मींस रिडक्शन। समझ आया, ऑक्सीजन इज एडेड मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड मींस ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। ठीक है, सो हियर ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, दस वी कैन से कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, सो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है जिंक ऑक्साइड में से, दस वी कैन से जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, है ना, जिंक ऑक्साइड किसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, जिंक में। ठीक है, सब उसके बाद में अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की अपने बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा ज्यादा क्लियर होएगा। ठीक है, फिर थियरी उसके बाद में पढ़ना, पहले एग्जांपल से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर टू, इसमें कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। चलो ठीक है, समझ आया, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2 क्या बन गया, H2O, सो ऑक्सीजन इज एडेड मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड मींस रिडक्शन, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन में भी हम देख लेते हैं, ये देखो H2, ये हाइड्रोजन वाला है, इसको बाद में देखेंगे अपने, चलो पहले इसी का अपने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ये देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज एडेड मींस इसका ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आर ए मींस रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो कार्बन क्या है यहाँ पे, खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में से जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे नोट जो मैंने अच्छे से क्लाउड बना के लिखा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारा खास यही वाला डेफिनेशन याद रखना, ये तो सिर्फ रटने के लिए करना हो तो कर लेना ये वाली डेफिनेशन, अदरवाइज ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सब्सटेंस हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको खुद को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में ये डेफिनेशन हमारा सिर्फ ऐसे ही लर्न कर लेना इसको, अदरवाइज खास तो यही वाली डेफिनेशन याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। ठीक है, के लिए अब इसके दो और एग्जाम्पल अपने, जो ऑक्सीजन इज एडेड तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड तो रिडक्शन, ये हमने पढ़ा है, लेकिन उसके साथ में अपने हाइड्रोजन का भी डेफिनेशन, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl, तो यहाँ पे हमारा देखो H2S है, उस ये क्या बन गया, S बन गया, मतलब हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो अभी अपने ने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन इसके साथ आ गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन Cl के साथ ऐड हो गया है तो हाइड्रोजन इज एडेड, देन इट इज रिडक्शन। ठीक है,
तो अब इसमें अब फिर ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपने हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, H2S का ऑक्सीडेशन S में हो रहा है, तो H2S यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का हो रहा है HCl में, तो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S। नेक्स्ट वन, MnO2 प्लस 4 HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। सो यहाँ पे हियर MnO2 क्या बन रहा है, MnCl2, मतलब इसका ऑक्सीजन चला गया, हट गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, मतलब हमारा इसमें ऑक्सीजन इज रिमूव्ड मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन और रिमूव होना मतलब रिडक्शन। सो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड हियर, सो इट इज रिडक्शन। सो और यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, क्या हो गया, HCl में से क्या बन गया, Cl2, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, यहाँ पढ़ा था ना अपने ने, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड की इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड हियर, सो वी विल से दैट हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये हमारा रिडक्शन हो गया। फिर वही बात आ गई हमारी कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद में तो मैंने बहुत अच्छे से तुमको कोरोजन और वो रेंसिडिटी तो बताया है, रेंसिडिटी मतलब फूड का खराब होना है ना, सड़ना खाने का, तो और कोरोजन हमारा जंग लगना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरोजन में हमारा और डिटेल में अपना जो मेटल वाला चैप्टर आएगा उसमें कोरोजन को पढ़ने ही वाले हैं अपने डिटेल में। सो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाओगे तो चलेगा अभी कोरोजन में, ठीक है। सो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, है ना। मेटल्स खत्म होती जाती है, कौन खत्म करता है उनको, एयर मॉइस्चर और केमिकल। सो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे कॉमन फॉर्म कोरोजन का कौन सा है, आयरन का रस्टिंग। तो इसका मैंने केमिकल रिएक्शन भी पूरा लिख दिया है कि आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड, है ना, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो रस्टिंग, ठीक है। उसके बाद रेंसिडिटी जो मैंने बताया, फूड का सड़ना, ठीक है ना। तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल, हमारे खाने में क्या होता है, फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी वजह से हमको क्या आती है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हियर कंप्लीटेड, सो अवर दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट टाइम वी शैल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, ओके। Till then, bye.